हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज सुबह सुबह का मौसम, आज है छुट्टी तो आज बना रहे हम दही बड़े। मैंने रात भिगाई थी मूंग और उड़द की दाल, अब इसे हम पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया। अब देखिए इसमें हींग, थोड़ा सा नमक, अब इसको फेटेंगे। तब तक फेटना है जब तक ये थोड़ा पतला ना हो जाए, मतलब थोड़ा पतला हो जाएगा। तो ये देखिए अब थोड़ा पतला हो गया है। अब इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। चला के मिला के इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए मैंने तेल रख दिया है गर्म होने, और एक बर्तन पे पानी लेके उसमें हल्की चीनी और हल्का सा नमक डाल दिया है। ये पानी हमने इसलिए बनाया है कि इसमें हम जो तलेंगे बड़े उसके बाद इसमें डालेंगे हम उसको। देखिए बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। ये देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब फटाफट बड़े बना लेंगे। इसे हल्की आंच पे ही रखिए, नहीं तो बड़े अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं। ये देखिए बढ़िया से हो चुके हैं बड़े। अब इनको पानी में डाल देंगे जो पानी हमने बनाया। अब जो बचे हुए बड़े हैं उनको फटाफट बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए अब एक बर्तन में पुदीना, धनिया, मिर्ची डाल के ग्रीन चटनी बना देंगे। और जो हमने भिगाए थे उनको हल्के हल्के हाथ से उनका पानी निकाल के अलग कर देंगे बड़े। देखिए हल्के हल्के हाथ से निकालिएगा, नहीं तो टूट जाएंगे। देखिए ग्रीन चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है बढ़िया सी। ये देखिए अब हमने इमली का सेसेस जो मार्केट में बनी हुई आती है वो ले ली है, और दही को थोड़ा सा फेंट के इसमें बड़े डाल देंगे। देखिए दही में बड़ों को भिगा देंगे हल्का, 5 सेकंड के लिए, मिनट भी नहीं सेकंड के लिए। देखिए भिगा दिए। अब एक बर्तन में बड़े डालेंगे। ये देखिए थोड़ा हल्का इसके ऊपर दही डाल के अब डाल देंगे चटनी, इमली वाली चटनी जो खट्टी मीठी होती है वो डाल देंगे। देखिए आप डाल देंगे हरी चटनी। ये देखिए हरी चटनी, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये देखिए तैयार है हमारे आज के सुबह का नाश्ता दही बड़े।